मान्यवर नरेन्द्र मोदी नेतृत्व में भारत में भारतीय जनता पार्टी सरकार 9 वर्षर सफल पूर्ति उपलक्षे एक मास व्यापी जनजागरण कार्यक्रम अच्छे लोकों पाखु जाइकरी तांको इस विषय अवगत करेबा जमी प्रति वर्ष मोदी शासन प्रति वर्ष पूरण हवा मात्रे मान्यवर मोदी जी गोटे हिसाब देवाक आसन्ते 2 वर्ष पर बालेश्वर भी गोटे होता जनता को हिसाब दिखते किंतु आज पर्यंत 25 वर्षर 23 वर्षर ओडिशा बीजेडी सरकार केबे हिसाब देना कामर मोदी जी कृतज्ञता प्रकट करती मत भोट दे तुम्हें ये काम कर भारतीय जनता पार्टी भी सही काम करे से ये 9 वर्षर हिसाब देवाई लोकों पाखु जीवा व्यापक जनजागरण हेबो प्रत्येक परिवार को जीवे आम लोक मैंने विभिन्न स्थान में बड़ बड़ समावेश हेबो प्रति मंडल में पदयात्रा हेबो ये सब कार्यक्रम चलो से ही कार्यक्रम अयमारंभ हो प्रेस कॉन्फ्रेंस है प्रति राज्य आम 29 तारीख है पुणी आज विकास तीर्थ यात्रा माने केन्द्र सरकार के द्वारा जो सब विकासमूलक कार्यक्रम होगुड़ी आम कार्यकर्ता विजिट कर किसी कार्यक्रम ना खाली से स्थान को जामी ये गोटे नुआ स्टेशन है सेमती गोटे सिटी डीसी 20-25 कोटी टकर गोटे ट्रेनिंग सेन्टर है एम्स है सेपरी आउ 2टा ट्रेनिंग सेन्टर हवाक जाऊँ नाइलिट आउ सीडाक ये बहुत बड़ शहशी टकर प्रकल्प हो हजार हजार पिला ट्रेनिंग ने 3 वर्ष भितर 10 हजार पिला केवल सीडाक ट्रेनिंग ने नाइलिट्रे भी 5 हजार पिला ट्रेनिंग ने जो मानक निजुक्ति कि आत्मनिजुक्तर सुविधा मिले यहीपरि विभिन्न विकासमूलक कार्यक्रम भितर कि बाछिकी आम मैंने जाऊँ आज जमी एटक आसिले आउ 2-3 दिन पर पुणी आउ 2टा जगह को आम जीव से जगह जस्ट आम पहुँचू से स्थान को देखू कौन कौन है तार गोटे अनुभव समस्ते ने मीडिया सहित इंटराक्शन हेब ये कार्यक्रम या परे लगातार कार्यक्रम अच्छे आम केन्द्रीय मंत्री मैंने नेता मैंने समस्ते आसवे वरिष्ठ राष्ट्रीय अधिकारी मैंने आसवे ये प्रत्येक जिला को जी प्रत्येक क्लस्टर को जी आउ घर घर संपर्क भी जी बड़ जनसभा भाषण देवे प्रेस वार्ता भी करेंगे आउ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मान सहित भी इंटराक्शन करेंगे विभिन्न वर्ग सहित चर्चा आलोचना करा मोदी जी शासन परिणाम विषय चर्चा आलोचना करा गरीब कल्याण योजना विकासमूलक योजना भारत गौरव बढ़ियापी जो सब कार्यक्रम होती भारत सुरक्षा दृष्टि जो सब दृढ़ पदक्षेप नि समस्त विषय जनसाधारण को अवगत करा बीजेपी सरकार अमल 9 वर्ष भितर बालेश्वर बहुत किसी जगह उन्नति होती विशेष करी आमर सांसद 2019 निर्वाचित होगापर बालेश्वर जिले में नाना प्रकार उन्नतिमूलक कार्य होती आज ये गोपीनाथपुर स्टेशन रे विकास तीर्थ यात्रा रो आरंभ आम करूँ एवं ये जो स्टेशन होती जगार पूरा मनोरम परिवेश भितर ये स्टेशन होती नीलगिरी को यात्रीवाही ट्रेन खूब शीघ्र चलो यहाँ निश्चित भाव में गोटे बहुत बड़ उपलब्धि तापर आपण बांगतीरा प्रोजेक्ट 180 कोटी टंका केन्द्र सरकार द्वारा सेंक्शन होती बालेश्वर एम्स प्रतिष्ठा होती बालेश्वर सीटीडीसी तरफ जो टूल रूम प्रतिष्ठा होती से 20 कोटी टंका व्यय एनडीआरएफ हेडक्वार्टर बालेश्वर करमर हलदीपदारु भुगराई पर्यंत भाया बालियापाल गोटे रास्ता 192 कोटी टंका सेंक्शन कर एनआरएचएम बिल्डिंग जलेश्वरपुर 10 कोटी टंका सेंक्शन कर हाइजेनिक फिश मार्केट पर 50 कोटी टंका सेंक्शन कर 2टा फिशिंग हार्बर गोटे बाहबलपुर गोटे चांदीपुर 2टा फिशिंग हार्बर पर 50-50 कोटी टंका सेंक्शन करमर शेरगढ़ झरणाघाटी रास्ता 125 कोटी टंका सेंक्शन कर समय भितर जहाँ कम हो आगु के ना द्रुतगति में आगक हम नीलगिरी रे निश्चित भाव में मिलित भाव में आम तो आज नीलगिरी रही चुए स्टेशन रे गोटे म माने बहुत भल कम जो के नीलगिरी को जो ट्रेन चलो एक किए विश्वास करी ट्रेन चलो आमर शेरगढ़ झरणाघाटी जो रास्ता दोहरीकरण हो पानी जलर प्रोजेक्ट सब कर सामग्रिक भाव में नीलगिरी बहुत किसी उन्नतिमूलक कार्य कर